नमस्कार, हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। क्लास ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स में जो पोर्शन चल रहा है आबयू और साणिक मैंने डिसाइड किया है कि जो कि आपको 13 नंबर एग्जाम में देता है, पहले इसे हम खत्म कर देते हैं। हालांकि हम इसे पढ़ा चुके हैं कॉपी पर, फिर भी बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर आप इससे बोर्ड पर पढ़ा दीजिए। तो हम इसको इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट, और साथ में इसको इस तरह से समझना है जैसे कि आप इसको फाइनल इस तरह से पढ़ें कि रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे, अनावश्यक चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की संभावना है उसी को हम बात करेंगे। बाकी सीखने के लिए आप भी में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। आइए, आज का ज्ञान का मतलब है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे कि दो आवयवों को कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं। दो क्या किसी भी दो आवयवों को जोड़ घटा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। कंडीशन है कि किन दो आवयवों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। आवयवों को कैसे गुणन किया जाता है, गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और आवयवों के योग से कोई गुणधन यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो आवयवों को जोड़ने से संबंधित कुछ जो है क्वालिटी है, गुणधर्म है, उसको हम डिस्कस करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो ये हमारे आज का कॉन्सेप्ट है और हम क्या क्या सीखेंगे। तो तैयार रहिए, कहीं एक मिनट के लिए वीडियो स्किप मत करिएगा। बीच बीच में हम चीज़ों को बहुत लास्ट में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा, हो सकता है बीच में ही बता दें, तो वीडियो की स्किप मत करिए, अदरवाइज आप सीख नहीं पाएंगे। तो बाद में फिर मत कहिएगा कि सर आपने नहीं बताया। चलिए तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो चीज़ है यहाँ पे कि दो आवयवों को कब जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं क्लियर आ रहा है कि नहीं, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, सब कुछ सही दिख रहा है। देखिए एक आवयव दिया है यहाँ पर 2 है 5 है, सपोज करिए 7 9 है। अगर आपको पूछे कि आवयव का ऑर्डर क्या है तो 2x2 ऑर्डर का है। क्लियर है। अब देखिए एक आवयव बी दिया है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2 है 3 है 5 है, यहाँ पे 7 9 मान लीजिए, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अगर इस आवयव की बात करें तो क्या है इसमें, कितने पंक्ति हैं, 1 2 कॉलम कितने हैं, 3। इसका ऑर्डर 2x3 ऑर्डर का है। तो कोई ये कहे कि आप हमें दोनों आवयवों को जोड़िए, ठीक है, क्या आएगा, ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, क्या आएगा, तो ये पहला होगा ये दूसरा होगा। तो दोनों आवयवों को आप कभी भी जोड़ नहीं सकते। ठीक है, ए प्लस बी, बाद में ए प्लस बी होता कैसे वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ए प्लस बी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों आवयवों का ऑर्डर समान नहीं है। तो पहली कंडीशन ये निकल के आती, पहली और आखिरी, कि दो आवयव तभी जुड़ सकते हैं जब दोनों आवयवों का ऑर्डर सेम यानी कि कोटि समान होना चाहिए। अगर 2x2 ऑर्डर का आवयव ए है तो ये भी 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए, अगर ये 3x3 ऑर्डर का है तो 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए, अगर ये 2x2 ऑर्डर का है, देखिए अगर ये 2x3 ऑर्डर का है, अगर ये भी 2x3 ऑर्डर का हो जाए तब दोनों आवयव क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वही चीज़ घटाने में भी है। ठीक है, ए माइनस बी हो चाहे बी माइनस ए करना हो, हमेशा आवयव का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है। तो ये रहा बेसिक चीज़ कि दो आवयव कब जुड़ते हैं, कब घटते हैं, जब दोनों आवयवों का ऑर्डर समान होता है तभी दो आवयव जुड़ते हैं और घटते हैं। आइए हम दो आवयव लेते हैं और हम ऑर्डर यानी कि कोटि समान करते हैं, आखिर में फिर जुड़ेंगे कैसे। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम एक कॉलम हटा देते हैं, यहाँ पर आवयव बी हो गया 2x2 ऑर्डर का, अब तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया ना। देखिएगा अब जो है हमें क्या बताना है, ए प्लस बी, दो आवयवों का जो एडिशन होता है इस तरह से होता है। देखिए दो आवयव जब जुड़ते हैं सेम ऑर्डर के तो जो एक नया आवयव आएगा उसका भी ऑर्डर वही होगा जो दोनों आवयवों का ऑर्डर होगा। 2x2 ऑर्डर का अगर आवयव है तो दो आवयव जुड़ के 4x4 ऑर्डर का नहीं आएगा, वो भी 2x2 ऑर्डर का आएगा। क्लियर है। आवयव कैसे जुड़ते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा यानी कि 2 जुड़ेगा 2 के साथ 4, 5 जुड़ेगा 3 के साथ 8, 7 जुड़ेगा 7 के साथ 14, 9 जुड़ेगा 9 के साथ 18 हो जाएगा। ठीक है, आवयवों का जो एडिशन है उस संगत अगर जुड़ते हैं यानी जो आवयव ए है उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है आवयव बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट के साथ ऐड होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। 5-6 लेक्चर लगेगा आवयव और साणिक में, तो प्लीज़ इसे आप स्किप मत करिए,
और बहुत इंपॉर्टेंट है 13 नंबर बहुत आसानी से हमें क्या है मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद सीधे हम निश्चित समाकलन पे चलेंगे, वहाँ से हम पकड़ेंगे और सीधे समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप काफ़ी दिन से अवकलन समाकलन चल रहा था तो बीच में कुछ रिविज़न भी कराया गया कुछ क्वेश्चन दे के। चलिए तो ये रहा आवयवों को जोड़ना, क्लियर है, यहाँ वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ा है और यहाँ वाला इसके साथ, ए हुआ आवयव का। अगर a माइनस b कह दिया जाए, ठीक है, वही चीज़ है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ घटेगा, जीरो हो जाएगा, फाइव घटेगा थ्री के साथ, टू हो जाएगा सेवन, सेवन के साथ घटेगा जीरो, नाइन नाइन के साथ घटेगा जीरो। ठीक है, तो ये भी कभी भी दो आवयवों को जोड़ते और घटाते हैं तो जो आवयव आता है उसका ऑर्डर वही होता है जो दोनों आवयवों का होता है। ये नया आवयव जो आएगा वो 4x4 ऑर्डर का नहीं होगा, क्लियर हुआ। और कभी भी आप a माइनस बी कर लीजिए चाहे b माइनस ए करिए, बराबर नहीं होता है। जैसे वो हमारी बात संख्याओं में भी होती है, वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, क्लियर है। अगर यहाँ पे 7 माइनस फाइव करें तो क्या होता है, 2 आता है, क्लियर है। अब 5 माइनस सेवन करें तो क्या आता है, माइनस टू। तो कभी भी जो है संख्याओं का जो घटाने का जो नियम है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। जबकि अगर एडिशन की बात करें तो a प्लस बी करें चाहे b प्लस ए करें समान आता है, यानी कि संख्याओं का जो एडिशन है वो कॉम्पिटेटिव होता है, क्रम भिन्न में होता है। अगर क्रम को बदल दें तो जो हमारा रिजल्ट आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन संख्याओं का जो घटाना होता है a माइनस बी करें वो b माइनस ए कभी बराबर नहीं होता है, यानी कि संख्याओं का घटाना जो है क्रम भिन्न में नियम का पालन नहीं करता है, उसी तरह से आवयवों में भी होता है, क्लियर हुआ। तो ये रहा आवयवों का जोड़ना आज का ज्ञान, मतलब आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। चलिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आवयवों का गुणनफल, ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर्टी सीखेंगे दोनों का, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम इरेज कर देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर एक आवयव ए दिया है जिसके एलिमेंट ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, यानी कि आवयव ए है उसमें m पंक्ति और n क्या है कॉलम है यानी कि स्तंभ है। एक आवयव है जिसमें कि n रो है और t क्या है कॉलम है, ये बात आपको पहले ही बता दिया गया है। जो पहले लिखा रहता है उसमें नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरे स्थान पर लिखा रहता है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कहा जाए कि आप जो है एक आवयव a दिया है एक आवयव b दिया है, आप दोनों आवयवों का गुणा करिए यानी कि a * b बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बच्चा पाड़ी, तभी ये दोनों आवयवों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है, ठीक ना। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर दो आवयव दे दिया गया है तो आप उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। आँख बंद करके कोई भी आप आवयव दें तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ कंडीशन है कि a * b तभी संभव हो पाएगा जब आवयव a में, देखिए आवयव a में स्तंभों की संख्या, यानी कि आवयव जो a है यहाँ पर स्तंभों की संख्या n है, आवयव बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ठीक है। आवयव जो बी है इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है एन है, क्लियर है। तो यहाँ पे आवयव ए में जो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या एन है और आवयव बी में पंक्तियों की संख्या एन है, तो यहाँ पे दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि ए इंटू बी निकालिए तो ये क्या है संभव है, यानी कि आवयव ए और बी का मल्टीप्लाई संभव है, क्लियर है। अब देखिए अगर हम कहें कि आप b इंटू ए बताइए, क्लियर है, b इंटू ए बताइए, यानी कि पहले b रखना। अमूमन जो है संख्याओं में क्या होता है, देखिएगा 2 इंटू थ्री करें तभी ये 6 आएगा, क्लियर है, या 3 इंटू टू करें तभी ये 6 आएगा, लेकिन आवयवों में हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ ये हमारा क्या है अंतर है, क्लियर है। आप सभी बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत प्यार आप हमें दिए, जिसकी वजह से हम एजुकेटर ऑफ मंथ का भी अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं और ज़बरदस्त तरह से, मतलब इतना उत्साह बढ़ गया है कि अब और बेहतर तरह से काम करने की हमारी इच्छा हो रही है। तो आप सभी इसी तरह से प्यार बनाए रहिए, सभी टीचर अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जब भी फिजिक्स संजीव को देखता हूँ पढ़ाते हुए तो उनका मुझे खुद अच्छा लगता है कि जब हम पढ़ते थे तो उस समय सर लोग कैसे समझाते थे और संजीव अब कैसे समझाते, तो काफ़ी सब लोग अपना बेस्ट देते हैं। अलग बात है कि आप हमें ज़्यादा वोट दिए इसकी वजह से हमें अवार्ड मिला, तो आप सभी का मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चलिए आइए टू द पॉइंट, b इंटू ए करें, क्लियर है। तो
तो b इंटू ए करने के लिए अब देखिए क्या होगा, हमें पहले b का ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर n क्रॉस t है और a का जो ऑर्डर है m क्रॉस n है, ठीक है, m क्रॉस n है। ध्यान दीजिएगा, अगर b इंटू ए पूछे तो पहले b का ऑर्डर देखना पड़ेगा, a का ऑर्डर देखिए। तो यहाँ पे जो ये बीच वाला नंबर हमारा बराबर नहीं है, इसका ट्रिक देखिएगा, ये आव्यूह b में स्तंभों की संख्या t है, आव्यूह a में पंक्तियों की संख्या m है, दोनों बराबर है क्या? नहीं, ये t है m है, तो कभी भी b इंटू ए संभव ही नहीं है, मतलब संभव नहीं है। यानी कि आप b का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन संभव ही नहीं है। तो जब मल्टीप्लिकेशन ही संभव नहीं है तो आप मल्टीप्लाई निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से a इंटू बी, तो आप देखिए कितना अंतर है ये वास्तविक संख्याओं के गुणनफल में और यहाँ पे दो आव्यूहों के गुणनफल में, क्लियर है, अंतर है। वहाँ से हम जोड़ जोड़ के बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आव्यूह a इंटू बी जो है हमेशा बराबर नहीं होता है b इंटू ए के। कुछ कंडीशनों में होता है जब आव्यूह हमारे क्या होते हैं, विकर्ण आव्यूह होते हैं। विकर्ण आव्यूह भी डिस्कशन हुआ था, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और क्या है, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 100010 था, क्लियर है। तो उसका गुणनफल यानी कि अगर दो आव्यूह हमारे विकर्ण आव्यूह हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव होता है, क्रम विनिमय हो जाता है, अदरवाइज अदर मैट्रिक्स जो तो ऐसा नहीं होता। चलिए तो आइए एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं कि आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल से हम क्लियर कर देंगे कि आव्यूहों का गुणनफल होता कैसे, ठीक है। चलिए इसके पहले हम सीखें कि आव्यूह का गुणनफल होगा कब, और अब सीखेंगे अगर होगा तो होगा कैसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक आव्यूह ए दिया है 2x2 ऑर्डर का, एक आव्यूह 2x3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो हमें a इंटू वी बताना है और b इंटू ए बताना है। जो बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे भैया, क्या किया जाए, उनका हाथ पैर पकड़ लिया जाए कि आप भैया एकदम छोटे बच्चों की तरह चले चलो चलो पढ़ लो बाबू पढ़ लो, ऐसा नहीं, ऐसा किया जाए, ठीक है। तो आपको अब खुद ही समझदार होना पड़ेगा। अब हम क्या करें, कॉपी भी पढ़ाएं, दोबारा हम पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ठीक है। तो अब तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, चलिए फटाफट लाइक करिए जितना जितना बच्चे देख रहे हैं ना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। आपको शाम को 8 बजे मैथ का वीडियो मिलता रहता है। देखिए पहली बात हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं। ट्रिक देखिएगा क्या करेंगे, दोनों आव्यूह को लिख लेंगे, ऑर्डर को लिख लेंगे 2x2, इसका ऑर्डर लिख लेंगे 2x3, ये बीच वाला नंबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बराबर है यहाँ पे, यानी कि ये दोनों ए इंटू बी क्या होगा, संभव है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा, अगर संभव हो पाएगा तभी आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। और मल्टीप्लाई जो होता है आव्यूहों का मल्टीप्लाई रो टू कॉलम होता है। देखिएगा ए को पहले लिख लीजिए यहाँ पे 2, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आव्यूहों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2, 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, 6, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, सवाल अपने आप लग जाएंगे। क्या करना, देखिएगा रो टू कॉलम आव्यूहों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इस पहले रो को उठाएंगे पहले कॉलम पर रखेंगे, तो जो एलिमेंट जिस पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा। देखिएगा R1 को उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इस पे रखेंगे, तो 2 पड़ेगा 2 पे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अब 5 जो पड़ जाएगा 3 पे पड़ेगा, तो 5, 3, 15, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हुआ पहला एलिमेंट यहाँ का, ठीक है। अभी R1 को उठा के अब C2 पे रखेंगे, दूसरा जो कॉलम है, तो 2 पड़ेगा 1 पर, तो 2 जिस पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2, 1 जा 2 हो जाएगा, और 5 पड़ेगा 6 पे, तो 6, 5 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ का एलिमेंट, क्लियर है। अब देखिए अब R1 का काम हो गया, अब R2 उठाएंगे, R2 उठाएंगे और फिर इस पे रखेंगे, ठीक है। तो 7 पड़ेगा 2 पे, तो 14 हो जाएगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। और 8 पड़ेगा भैया 3 पे, तो 8 3 के 24, चलिए ये सीख लीजिए, उसके बाद काम हो जाएगा। अब R1 को उठाएंगे, अब क्या रखेंगे C2 पे, दूसरे कॉलम पे, तो 7 एकम 7, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। और 8 पड़ेगा 6 पर, 8 6 के 48, यहाँ पे ये हो गया, चलिए ये चीज़ देख लीजिए। और फाइनली जो आया आव्यूहों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई हो के आया क्या, यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का ही है, इसको 2x2 ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है।
टू क्रॉस टू ऑर्डर है, वहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं बाद में, ठीक है। ये चीज़ सेम होना चाहिए अंदर वाला नंबर, ठीक है। अब देखिए 14 5 यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे हो गया 30 2 32, यहाँ पे हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 38, और 48 7 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये हुआ आप भी हूँ का मल्टीप्लीकेशन, और फाइनली जो आप भी हूँ का मल्टीप्लाई हो के आएगा वो भी 2x2 ऑर्डर का एक आप भी आएगा। अगर दो आप भी हूँ का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ वैसा मैजिकल चीज़ नहीं आ जाएगा, कोई जादू नहीं आएगा। अगर दो आप भी हूँ का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो फिर से एक आप भी ही आता है, क्लियर है। तो ये रहा आप भी हूँ का मल्टीप्लीकेशन। तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, दो आप भी हूँ का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, रो टू कॉलम, रो को उठाना है और बारी बारी से सभी कॉलम पे रख देना है, रो टू कॉलम यानी कि पंक्तियों से स्तंभों की तरफ, क्लियर है। रो टू कॉलम पंक्ति से स्तंभ पर, पहले पंक्ति को उठाएंगे C1 पे भी, पहले पंक्ति को C2 पे, जितना भी हमारा कॉलम रहेगा सबके साथ मल्टीप्लाई करके पहले हमारा एलिमेंट तैयार होगा, क्लियर है। तो ये रहा आप भी हूँ का मल्टीप्लीकेशन। चलिए अब यहीं पर B इंटू ए हम निकालेंगे, क्लियर है। लगे हाथ आप B इंटू ए निकाल लीजिएगा, यानी कि जब B इंटू ए पूछेगा तो पहले B को हम लिखेंगे, क्लियर है। ये यहाँ पे B लिख लीजिए, B इंटू ए बताने का मतलब B क्या है, 2 1 है, यहाँ पे 3 है, 6 है, बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल तो अपने आप लग जाएगा, 2 5 7 8 है, क्लियर है। अब देखिए R1 को उठाएंगे C1 पर रखेंगे, R1 मतलब पहला पंक्ति, C1 मतलब दूसरा पहला कॉलम यानी कि स्तंभ। तो 2 पड़ेगा 2 पर 4 हो जाएगा, 1 पड़ेगा 7 पे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला एलिमेंट हुआ, अभी R1 का काम खत्म नहीं हुआ है, क्लियर है। इस पे रखिए C2 पे, तो 2 5 10 और 1 का 8 पर पड़ेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 8 आएगा। अब देखिए R1 का काम खत्म, अब आ जाइए R2 को, R2 को उठाएंगे क्या रखेंगे, इस पे रखेंगे, 3 पड़ेगा 2 पे 6 हो जाएगा, 6 पड़ेगा 7 पे 42 हो जाएगा, ठीक है। 3 पड़ेगा 15 और 6 पड़ेगा 8 पे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 4 11 जोड़ पाएंगे, जोड़ दिए, बहुत बढ़िया। 10 8 जोड़ पाएंगे अपने जीवन काल में, 18, बहुत बढ़िया। 42 6 48 जोड़ लिए, ये भी सही। हमारा तो जोड़ना घटाना बहुत गलत होता है, 8 5 13 ये 63 हो जाएगा, ठीक है। आप ही देखिए ये जो A इंटू बी आया है और यहाँ पे B इंटू ए जो आया है, ठीक है, ये बराबर है क्या। देखिए दो आप भी हूँ कब बराबर होते हैं, अभी कल ही सिखाए थे। अगर आप चाहते हैं ना कि 90+ आए तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो अब आप भी हूँ का मल्टीप्लीकेशन आगे बहुत काम है, गलत हो जाएगा, इसके आगे का सारा चैप्टर मतलब दिमाग से बाहर हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें बताई जाएँ, और आव्यूहों का मल्टीप्लीकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। आव्यूहों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि A इंटू बी और B इंटू ए बराबर नहीं है। आव्यूह दो आव्यूह कब बराबर होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हों और साथ में प्रत्येक अवयव भी सेम हों। यहाँ पे पहले स्थान वाला ही एलिमेंट अलग है, देखिए A इंटू बी का पहला एलिमेंट 19 है और B इंटू ए का पहला एलिमेंट क्या है, 11 है, इसलिए A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू ए, क्लियर है। आप स्पष्ट हो गया कि दो आव्यूहों का जो गुणनफल होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, कुछ कंडीशनों में करता है, वो भी हम सिखाएंगे। चलिए कुछ प्रॉपर्टी उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद सीधे हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए यहाँ पे आव्यूहों के योग से संबंधित कुछ गुणधर्म है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसको हम सीख लेते हैं। उसके बाद आव्यूहों के गुणा से संबंधित कुछ गुणधर्म है, कुछ प्रॉपर्टी, उसको सीख लेंगे। उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज 3.2 में आएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर दो आव्यूहों को जोड़ें तो ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करें, ये दोनों बराबर होते हैं। देखिए पहली कंडीशन यहाँ पर है कि जो दोनों आव्यूह हैं वो दोनों का ऑर्डर सेम है, यहाँ पे दिया हुआ है अभी ए और बी, इस तरह से है कि दोनों का कोटि क्या है, जो ऑर्डर है समान है, तभी हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। क्योंकि दो अभी तभी जुड़ते हैं जब उनका क्या है, ऑर्डर समान होता है। तो अंडर स्टूड है कि ऑर्डर समान है, तभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं।
जिसको बोलते हैं आव्यूह क्रम विनिमय नियम, यानी कि आव्यूहों का जो योग है क्रम गणित के क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है, योग वाला, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं साचर्य। अगर तीन हमारे आव्यूह दिए हों ए बी सी, तो आप बी और सी को ऐड करके जो आएगा उसको ए के साथ ऐड करें, चाहे ए और बी को ऐड करके जो आएगा उसके सी के साथ ऐड करें, रिजल्ट क्या आएगा, सेम हो आएगा। इसको बोलते हैं साचर्य नियम, इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। यानी कि जो आव्यूहों का योग है एसोसिएटिव मैथमेटिक्स के एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। कि सारे जो हैं क्वेश्चन जो है एक नंबर में, या जब भी आप फर्दर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में काम आता है। आप जब भी आईआईटी जेई का या किसी भी चीज़ का आप तैयारी करेंगे वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट हैं। योग के तत्समक का अस्तित्व, देखिए तत्समक मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी होता है, जो तत्समक होता है योग का तत्समक होता है ज़ीरो। ज़ीरो एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ ऐड करेंगे उसी संख्या को ऐड दे देगा, यानी कि टू में हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो टू आ जाएगा। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आव्यूह में क्या होता है कि जो जीरो आव्यूह है ऐसा आव्यूह है जो किसी भी आव्यूह के साथ ऐड होगा तो वही हमें क्या है ओरिजिनल आव्यूह दे देगा। तो जीरो जीरो को हम बोलते हैं तत्समक, ठीक है, तत्समक यानी कि योग का तत्समक, क्लियर है। जब योग का तत्समक की बात करें तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। और आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व यानी योग की बात हो रही है, यानी एडिटिव इनवर्स, क्लियर है। किसी आव्यूह का अगर हमें उसका प्रतिलोम निकालना है योग का प्रतिलोम, ठीक है, तो उसका सीधे क्या कर देंगे, ऋणात्मक कर देंगे। एक चीज़ और हम कर देते हैं, किसी आव्यूह का जैसे मान लीजिए आव्यूह ए दिया है, सपोज करिए 4 है, माइनस 5 है, 7 है और 9 है, ठीक है। अगर हमें माइनस ए निकालना है, इस आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह निकालना है, तो पूरा जो चिन्ह क्या कर देना है, बदल देना है, जो प्लस होगा उसे माइनस कर देना है, जो माइनस होगा उसे प्लस कर देना है। ये हो जाएगा माइनस 4, ये क्या हो जाएगा माइनस 5 होती प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 7 और ये हो जाएगा माइनस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसी भी आव्यूह का जो है, अगर आपको ऋणात्मक आव्यूह निकालना है तो सीधे उसका जितने भी सारे एलिमेंट हैं उसका साइन क्या कर देना है, बदल देना है, क्लियर। तो ये नया चीज़ था। और एक चीज़ और है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको जानना है ताकि एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। और एक चीज़ और बच गया था बताना कि मान लीजिए कोई आव्यूह है 2x, यहाँ पे 4, 5, 9, यहाँ पे 2 है, 2x2 ऑर्डर की ही बात करेंगे। जो काम, जो प्रॉपर्टी, जो ऑपरेशन 2x2 ऑर्डर के आव्यूह पे होगा वही 3x3 ऑर्डर, वही 4x4 ऑर्डर, वही 2x3 ऑर्डर के आव्यूहों पे क्या है, काम करेगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आव्यूह ए है, हम चाह रहे हैं कि 3 × a चाह रहे हैं, ठीक है, एक स्केलर नंबर है, एक अदिश संख्या का हम गुणा करना चाह रहे हैं इस आव्यूह में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × a, यानी कि 4, 5, a हमारा क्या आव्यूह है ना। ये होगा क्या, ये जो तीन है ना, ये आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। ये चीज़ हुआ, यानी कि 3, 4 मल्टीप्लाई होगा 12, 5 में होगा 15, क्लियर है, 9 में होगा 27 और 2 में होगा तो 6 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज़ हुआ, किसी भी आव्यूह में अगर आपको कोई अदिश संख्या का मल्टीप्लाई करना है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के, जीरो करेंगे तो पूरा जीरो कर देगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट हर एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक नया आव्यूह हमारा तैयार हो जाएगा 2x2 ऑर्डर का, क्लियर है। तो ये चीज़ हो जाएगा, एलिमेंट इसके चेंज हो जाएंगे, सीधे एलिमेंट जो है 3 के मल्टीपल में आ जाएंगे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रत्येक, क्लियर है। ये रहा, अगर यहाँ पे 1/3 कर दें तो ये 1/3, 1/3 यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा प्रत्येक एलिमेंट का, क्लियर हुआ। तो ये नई दो चीज़ें आपको हम क्या हैं सिखा दें। चलिए आइए कुछ और बताते हैं कि अगर दो आव्यूह ए और बी दिए हैं और उसमें एक स्केलर नंबर यानी कि अदिश संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए और बी को जोड़ के के का मल्टीप्लाई करें, चाहे के का दोनों आव्यूह में अलग अलग मल्टीप्लाई करके क्या करें, जोड़ें, ये क्या होगा, रिजल्ट सेम आएगा, क्लियर है। ये चीज़ हो गया, दो स्केलर नंबर दिए हैं के और एल, जैसे 2 और 5, दोनों को ऐड करके आव्यूह एक साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके
ठीक है, अभी ए के साथ दोनों अधिशों का मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दें, रिजल्ट सेम आएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस शर्तें के जानना है। तो ये रहा आव्यूहों के योग से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी। आइए आव्यूहों के गुणा से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी सीख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना। चलिए आव्यूहों के गुणनफल से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी सीख लेते हैं ना। तो ये हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर बड़ा था। इसके बाद जितने भी हमारे एक्सरसाइज हैं, चाहे 3.3 चाहे 3.4, बहुत आसान है, बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत होशियार मन से, बहुत भारी मन से मत देखिए। ठीक है, मैथमेटिक्स अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। थोड़ा खुश हो के, थोड़ा लगे कि हम सीखना, क्योंकि आज का ज्ञान का मतलब होता है कि आज आप कुछ सीखेंगे। आप मैथ पढ़ने मत आइए, मैथ सीखने आइए, बार बार हम कहते हैं। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है, आव्यूहों का गुणनफल अमूमन क्रम विनिमय नियम यानी कि अक्रम विनिमय होता है, यानी कि नॉन कॉम्पिटेटिव होता है, कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, कुछ केसों में होता है, हम बताएंगे। ठीक है, ए इंटू, अगर तीन आव्यूह दिए हुए हैं तो बी इंटू सी करें, यानी कि आव्यूह बी का सी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ए का करें, या ए और बी का मल्टीप्लाई करके सी के साथ करें, तो आव्यूहों का रिजल्ट जो है समान आएगा, जिसको बोलते हैं साहचर्य का नियम। देखिए सारे नियम जितने भी आ रहे थे, एक योग में होता है और एक गुणा में होता है। ठीक है, तो एक गुणा का साहचर्य नियम है। चलिए यहाँ पे आइडेंटी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह, 1001। ठीक ना, जो तत्समक अगर आपको 2x2 ऑर्डर का लेना है, आई मैट्रिक्स हो जाएगा 1001। ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट केवल होते हैं, मुख्य विकर्ण में 1-1 होते हैं। अगर 3x3 ऑर्डर का लेना है, ध्यान दीजिएगा, 3x3 ऑर्डर का लेना है तो 1000001। ठीक है, ये चीज़ है। अगर 3x3 ऑर्डर का लेना है एलिमेंट, तो इसमें 1-1-1 मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे, बाकी सब 0-0। यही हमारा क्या है, यही हमारा आइडेंटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटी मैट्रिक्स का किसी भी आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, वो हमेशा क्या करेगा, उसी मैट्रिक्स को दे देगा। इसको ऐसे समझना है कि जैसे हम किसी भी संख्या में, जैसे 4 का हम 1 में मल्टीप्लाई करें, चाहे 1 का 4 में मल्टीप्लाई करें, हमें 4 ही मिलेगा। ये तो आइडेंटिटी के नाम पे, यानी कि तत्समक आव्यूह, यानी कि इकाई, ये जस्ट लाइक जो आई है ना, संख्या 1 की तरह काम करता है। ठीक है, जो वास्तविक संख्याओं में जो काम 1 का है, आव्यूहों में वही काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, यानी तत्समक आव्यूह का। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। तो तत्समक आव्यूह समझ लीजिए कि किसी भी आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही हमारा ओरिजिनल आव्यूह मिल जाता है। जैसे संख्याओं में 1 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही हो जाता है। ठीक है, तो संख्याओं में 1 को हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अगर 2 आव्यूह इस तरह से हों कि ए इंटू बी करने पर चाहे बी इंटू ए करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, तत्समक आव्यूह मिल जाता है, तो हम बोलते हैं कि आव्यूह ए, ठीक है, आव्यूह ए जो है, ए है, आव्यूह ए बी का क्या है, इनवर्स है, प्रतिलोम, ठीक है, इनवर्स आव्यूह है। आव्यूह ए जो है बी का इनवर्स होगा, या बी, दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रतिलोम आव्यूह कहलाएंगे। ठीक है, कब, जब आव्यूह ए और बी इस तरह से हों कि इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तत्समक आव्यूह आ जाए। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स कहलाएगा, या बी को भी ए का इनवर्स कह सकते हैं। तो ये रहा कुछ, चलिए एक कुछ और प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 कि आव्यूह, 3 आव्यूह हमें दिए हैं, तो बी और सी को जोड़ के आप ए का मल्टीप्लाई करिए, चाहे इसको आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, रिजल्ट सेम होगा। यानी कि जो ये क्या है, एडिशन पे, यानी योग पे क्या हो रहा है, ये ऑपरेट हो जा रहा है। ये भी प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको याद रखना है। ये आप जो है क्वेश्चन में पूछता है कि सिद्ध कीजिए, अगर 3 आव्यूह दे देगा, सिद्ध कीजिए कि ये प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड होता है, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है क्या है, आव्यूह में होल्ड होता है, यानी कि अस्तित्व में है। क्लियर है, तो आइए हम 3.2 का एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बाकी हमें जोड़ घटाना ही करना है, कोई वैसा है नहीं। चलिए तो पहला ही क्वेश्चन करते हैं।
चलिए एक्सरसाइज 3.2 का हम पहला क्वेश्चन श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए लगाना बहुत ज़रूरी है, पहला क्वेश्चन नहीं लगाएंगे सीधे कठिन क्वेश्चन चले लगाने लगेंगे तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आसानी लेकिन शुरुआत तो कर लीजिए। एक आव्यूह ए दिया है, एक आव्यूह बी दिया है, एक आव्यूह सी दिया है, दो तीनों ही आव्यूहों का जो ऑर्डर है, जो कोटि है, यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है, 2x2 ऑर्डर का है। तो हमें बताना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a × c, और इसी में आगे बताना है a × b और b × a। बहुत आसान है, दो आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, 2 1 जुड़ेगा 3 के साथ, 4 3 जुड़ेगा 7 के साथ, 3 जुड़ेगा -2 के साथ, जुड़ जाएगा 1 हो जाएगा, 2 जुड़ेगा 5 के साथ, 7 हो जाएगा। हो गया, a माइनस बी बताइए, संगत अवयव घटेंगे भी तो 2 घटेगा 1, a माइनस बी बताना, ध्यान दीजिएगा, 2 घटेगा 1 के साथ 1 हो जाएगा, 4 घटेगा 3 के साथ 1 हो जाएगा, 3 घटेगा -2 माइनस, फिर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 घटेगा 5 के साथ -3 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट बताइए, 3 × a, देखिए इसको देखिए, 3 × a, ए लिख लीजिए क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, -c है ना, यहाँ पे -c क्या है, -2 है, 5 है, c का भी काम आ गया भाई, इस तरह से दिया रहा है। देखिए 3 का मल्टीप्लाई पहले हर अवयव में होगा, सिर्फ आप यहाँ पे कर दें, यहाँ पे नहीं करें तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई हर जगह करिए, 3 का 3 में होगा 9, 2 में होगा 6 होगा, यहाँ पे 9 में होगा 6। ठीक है, माइनस टू 5, 3, 4। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को घटा लीजिए, अब दोनों आप भी क्या हैं, घट जाएंगे तो क्या आएंगे, देखिएगा 9 घटेगा -2 के साथ। ठीक है, तो ऐसे करेंगे 9 - -2 क्या हो जाएगा, 9 + 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 6 घटेगा -5 के साथ तो घटा लेंगे 1, 9 घटेगा 3 के साथ, ठीक है, 9 घटेगा 3 के साथ 6 आ जाएगा, 6 घटेगा 4 के साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा 2x2 ये किसका रिजल्ट है, 3a - c, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये रहा, और a × b तो आप निकाल ही लेंगे, यानी कि a × b बताया गया और b × a आप निकालेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम, रो को उठाना यानी पंक्ति को उठाना है कॉलम पे। ठीक है, फिर दूसरा पंक्ति को उठाएंगे, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम दोनों पे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, चलिए तो पहला क्वेश्चन तो श्री गणेश हो गया। कल 3.2 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसमें एक दिन भी हमें और नहीं एक्स्ट्रा देना है। उसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज होगा 3.3 एक दिन में ख़त्म होगा, 3.4 एक दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये आव्यूह का काम तमाम हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हमसे क्या करेंगे, ज़्यादा पॉइंट आउट करेंगे, ज़्यादा ध्यान में रहेगा। जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अंत में ही कहेंगे कि अगर शुभम क्लासेस ऐप नहीं इंस्टॉल की है तो इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर जो भी प्रक्रिया है आप उसको फॉलो करें तो आपको बड़ा ही फायदा होगा। ठीक है, अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हर विषय का अक्टूबर में किस तरह से स्ट्रेटजी है, हर विषय को पढ़ने का, क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या बाकी है, किसको कैसे पढ़ना है, लगभग हर विषय का क्या है आपको टिप्स दे दिया गया है। क्लास 10th का भी बनाया है, क्लास 12th का भी बनाया है, आप वहाँ जाके देखें तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।